जय माता दी बंधुओं, देसी भक्ति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस नवंबर महीने में चार राशियों पर आ सकती है बड़ी मुसीबत। मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और तुला राशि। इस वीडियो के उपाय से आप इन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबाएं और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। हर कोई अपने आने वाले समय की सटीक जानकारी लेना चाहता है और आगे की योजनाएं बनाना चाहता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका भविष्य अच्छा ही हो, बल्कि आपको कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। हर कोई अपने आने वाले समय की सटीक जानकारी लेना चाहता है और आगे की योजनाएं बनाना चाहता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका भविष्य हमेशा ही अच्छा हो, बल्कि आपको कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी को इस बात का अनुमान पहले से ही हो कि उसके आगे आने वाले समय में धन लाभ योग है या नहीं, भविष्य में नौकरी की समस्याएँ तो नहीं आने वाली हैं, पार्टनर के साथ मनमुटाव का योग तो नहीं बन रहे हैं, ऐसी कई परेशानियों का अंदाज़ा यदि पहले से लग जाए तो भविष्य को ठीक करने के उपाय भी खोजे जा सकते हैं। आपके जीवन की समस्याओं के बारे में ज्योतिष आपको जानकारी दे सकता है और समस्याओं से उलझनों के रास्ते भी खोजने में मदद कर सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नवंबर का महीना किन राशियों के लिए समस्याओं से भरा है और इससे बचने के क्या उपाय हैं, तो आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। मेष राशि। मेष राशि के लोगों को नवंबर के महीने में अपनी नौकरी को लेकर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने आपके वरिष्ठ से संबंध खराब हो सकते हैं। आपको सेहत से जुड़ी कुछ समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। खान पान का ध्यान रखें और सीनियर्स से संबंध मजबूत रखने का प्रयास रखें। ज्योतिष उपाय। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है, इसलिए यदि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं तो आपको सभी समस्याओं का निदान मिलेगा। हनुमान जी को शनिवार के गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि को नवंबर के महीने में धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। आपका पैसा व्यर्थ में खर्च होने के योग बनेंगे। किसी बड़ी जगह पर पैसा देने से बचें। किसी बड़ी जगह पर पैसों के लेन देन से बचें। ज्योतिष उपाय। यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति ठीक बनाए रखना चाहती हैं तो केसर और चंदन का तिलक मस्तक पर लगाएं। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पीपल के पत्ते में अपनी मनोकामनाओं को हल्दी से लिखें और इसे नदी पर विसर्जित कर दें। इस उपाय से आपके जीवन में कोई भी बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को नवंबर के महीने में सेहत से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको कोई ऐसी समस्या हो सकती है जो आपके आने वाले जीवन को प्रभावित कर सकती है। ज्योतिष उपाय। कन्या राशि के जातकों का स्वामी ग्रह बुध है, इसलिए आपको इस वर्ष बुध ग्रह का आशीर्वाद पाने के लिए बुध ग्रह से जुड़े उपाय करने चाहिए। इसलिए आप गौ माता को हरा चारा अथवा हरी सब्जियां खिलाएं। इस उपाय से आपके जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। तुला राशि के लिए नवंबर का महीना समस्याओं से भरा हो सकता है। आपको आर्थिक हानि के होने का योग है और व्यर्थ के खर्चे बढ़ सकते हैं। ज्योतिष उपाय। जीवन में स्थिरता, प्रगति एवं सुख समृद्धि पाने के लिए तुला राशि वाले जातकों को प्रतिदिन मां लक्ष्मी जी के पास देसी घी का दीपक जलाना होगा। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। इसके अलावा बुधवार के दिन अपने घर मनी प्लांट का पौधा लगाने से आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। तो बंधुओं, इस वीडियो में हमने मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और तुला राशि के ज्योतिष उपाय के बारे में जाना है।
अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।